तो दादा आप सभी को खतियानी जोहर और फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल झारखंड वाइंस नंबर वन में। तो आज हम लोग आए हुए हैं कुछ एक नए मुद्दे के साथ। कहा कि आप लोग को पता ही होगा कि पूरा झारखंड खत्म हो जाएगा, लेकिन झारखंड में मुद्दे कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। एक से एक मुद्दे आएंगे, नए से नए मुद्दे आएंगे। तो वही आज एक नया मुद्दा लेके आए हुए हैं, जो हमारा 1932 का मुद्दा इतना दिन से चल रहा था और अभी भी चल ही रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तो घोषणा कर दिया है कि आगामी 11 तारीख को मतलब इसका जो बैठक होगा उसके बाद क्या होगा वो तो पता नहीं, खैर उसी दिन पता चलेगा कि हमारे झारखंड को कुछ गुड न्यूज मिलने वाला है या फिर कुछ और न्यूज मिलने वाला है। तो दादा 32 का जो मुद्दा था जिसको लेकर हम इतना दिन से चल रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमारे वीडियो में कमेंट भी कर रहे थे कि 32 का मुद्दा के साथ साथ अभी झारखंड में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। सच्चाई चीज़ है कि हमारे साथ सरकार ने हमें वादा भी किया था इसको लेकर कि इतने लोगों को नौकरी दी जाएगी, 5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन 5% लोगों को इतना में 5% लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिला हुआ है। ये काफ़ी दुख की बात है हमारे झारखंड के लिए। और बेरोजगारी जो है ना ये बहुत ज़्यादा है हमारे झारखंड में, बहुत ही ज़्यादा है। और क्या बोलें, बहुत सारे लोग इसके लेकर तरह तरह के राय देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है। तो दादा झारखंड में बेरोजगारी ऐसा चीज़ है ना जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहा कि ख़त्म कहाँ से होगा, रोजगार मिलेगा तभी तो बेरोजगार खत्म होगा। आखिर बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। कहा कि जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है और रोजगार किसी को मिल नहीं पा रहा है। तो दादा सरकार अभी एक योजना लाई हुई है, आपकी सरकार आपके गांव आपके घर तक, तो और उसमें तरह तरह के योजनाएं हैं, जैसे कि आपको आवास मिलेगा, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता वृद्धा पेंशन मिलेगा, धोती साड़ी मिलेगा, फलनी ढकनी, बहुत तरह तरह की उसमें योजनाएं हैं। तो दादा हम यही चीज़ कहना चाहते हैं, आपको यदि आवास मिलेगा और आप कमाई भी नहीं कीजिएगा तो घर द्वार कहाँ से चलेगा। घरवा सरकार तो आपका घरवा बना देगा हम मानते हैं, लेकिन घरवा से पैसा थोड़ी ना झरेगा दादा। आपको कमाने के लिए जाना होगा और रोजगार नहीं मिलेगा और आपको सरकार घरे दे देगा, आपको धोती साड़ी दे देगा, का आप लोग खरीद के उतना सा नहीं कर सकते बताइए। हर चीज़ सरकार ला रही है, हर चीज़ ला रही है, लेकिन हमारे जो आजकल के नए पीढ़ी के युवा लोग हैं उनको थोड़ा उनके ऊपर सरकार थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने बोला था कि 5 लाख रोजगार देंगे यदि हमारी सरकार बनेगी, तो आप ही के सरकार बनी हुई है, लेकिन अभी तक 5 लाख क्या है, 5,000 आदमी को अभी तक नौकरी नहीं मिला है। और जितना भी वैकेंसी वगैरह जो भी आने का था कुछ तो आ नहीं रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो बेरोजगारी का मुद्दा ही लेके हम आज आए हुए हैं, तो थोड़ा विस्तारपूर्वक बताना चाहेंगे। मैं अपना ही लेके बताना चाहूँगा कि आखिर इतनी बड़ी बेरोजगारी से हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तो दादा आप लोग अक्सर जितने भी झारखंड में अधिकतर बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, मतलब गांव देहात में ही रहते हैं, और गांव देहात में इतना फैसिलिटी नहीं है। एक दो को सरकारी स्कूल खुला हुआ है, प्राइवेट स्कूल तो कोई पढ़ाने नहीं सके, कहा कि सब किसान मजदूरी करके किसी तरह रोजी रोटी चला रहा है, तो वो लोग तो बच्चा लोग को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने नहीं सकेगा। रहा बात सरकारी स्कूल का, तो सरकारी स्कूल का आप लोग को पता ही होगा किस तरह से पढ़ाई लिखाई है, क्या क्या व्यवस्था है सरकारी स्कूल में, आप लोग जानते ही होंगे, तो इसमें बताने का कोई बात ही नहीं है। तो दादा किसी तरह तो गरीब घर का लड़का किसी तरह सरकारी स्कूल में मैट्रिक तक पास कर जाता है, उसके बाद उसके घर वाले कुछ पैसे इधर उधर से व्यवस्था करके उसके कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। तो यदि लड़का अच्छा नंबर लाता है उसका घर में थोड़ा लालसा हो जाता है कि नहीं लड़का पढ़ रहा है तो थोड़ा इसको पढ़ाया जाए, लड़का को रांची में रखा जाता है, लड़का को हजारीबाग में रखा जाता है, सुबह से शाम तक कोचिंग दिया जाता है, सुबह से शाम तक कॉलेज में रहता है, और पढ़ाई में मतलब क्या घर से आलू चावल सब चीज ले जाके और लड़का लोग पढ़ाई कर रहा है। कोई कोई तो देखते हैं कोई प्राइवेट काम कर रहा है, कोई गार्ड कर रहा है, तो कोई कैटरिंग का काम कर रहा है, तरह तरह का ऐसा पार्ट टाइम काम मिलता है बाहर में जिसको करके और लड़का लोग अपना जो पढ़ाई लिखाई है वो कर रहा है। तो दादा वो लड़का लोग 5 साल से अपना घर द्वार छोड़ के और अपना पेट पालने के साथ साथ घर द्वार भी चला रहा है। जो लड़का गरीब घर का लड़का है वो तो उसके घर से उतना क्षमता नहीं है कि उसको पढ़ा के और अपना बड़ा इंजीनियर और डॉक्टर बनाने सकेगा, खुद से मेहनत कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं वो लड़का के दिल में क्या बीतेगा यदि अगला दिन 5 साल तक कंटिन्यू अभी पढ़ाई कर रहा है और पता चलेगा एक भी वैकेंसी नहीं आया। तो आप लोग समझ सकते हैं प्राइवेट नौकरी में कितना पेमेंट है, हम लोग का झारखंड में 9 से 10 हज़ार आपको पेमेंट मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल 9 से 10 हज़ार मिलेगा। तो दादा 9 से 10 हज़ार में होगा, इतना आज का महंगाई इतना बढ़ गया है कि 9 से 10 हज़ार रुपया में आपका घर चलने का सवाल ही नहीं उठता कि आपका घर चलेगा। सरकार बोल रही है कि मछली पालन करो, मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, तरह तरह के पालन है, बकरी पालन करो। तो दादा हम ये चीज़ सरकार से कहना चाहते हैं, यदि हम बकरी पालन करते हैं तो और यदि कोई बकरी मेरा मर जाता है तो उसका तो जिम्मा सरकार नहीं ले रही है, सिर्फ पैसा दे रही है,
जाओ पालन करो, तो ये करो वो करो, लेकिन यदि कुछ हो जाता है तो उसका कोई जिम्मेवारी नहीं, और उसमें भी बहुत लुढ़ी सूत्री काम करना पड़ रहा है, आदमी को सही ढंग से वो भी नहीं मिल पा रहा है। जितने भी योजनाएं हैं अभी आप देख रहे हैं, आवास योजना आ रहा है, तरह तरह की योजना आए हैं, सब फॉर्म अभी भरा रहा है पूरा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जितने भी फॉर्म अभी सबमिट होंगे वो सभी के सभी एक्सेप्ट किए जाएंगे। कहे कि जो भ्रष्टाचार जो हमारे झारखंड में है ना, वो शायद हर जगह है भ्रष्टाचार, लेकिन झारखंड में बहुत ज़्यादा है। कहे कि आपकी योजना, आपकी सरकार, ये योजना फर्स्ट बार हमारे झारखंड में नहीं आई हुई है, ये योजना पहले भी आई हुई है, और मतलब क्या बोले, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है, आधार कार्ड आधार कार्ड 50 बार आपको फोटोकॉपी करवाइए, 50 गो फोटो जमा दीजिए, लेकिन आपका एक गो काम नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी उससे भी ज़्यादा है। तो बेरोजगारी बढ़ने का मुख्यतः कारण भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और हमारे जो झारखंड के मूल निवासी हैं वो नौकरी के लिए इधर उधर दर बदर भटकते रहते हैं, लेकिन बाहर के जो आदमी हैं उन्हें यहाँ पे नौकरी दिया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी लोग हैं वो अधिकतर घूस से काम कर रहे हैं, अधिकतर घूस से। तो जब तक से ये घूसखोरी हमारे झारखंड में बंद नहीं होगा, तब तक हमारे युवाओं का शोषण होते रहेगा। तो दादा, हमारा सरकार से यही रिक्वेस्ट है, सरकार से हम लोग का निवेदन है कि जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं जो नौकरी के लायक हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाल के उन्हें नौकरी दिया जाए। आवास तो वो खुद बना लेंगे, जब कमाएंगे तो घर बना ही लेंगे, और इतने दिन से झारखंड में लोग रह ही रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि जितने भी नेता आते हैं सब झारखंड को लूट के चले जाते हैं, गरीब का गरीब रह जाता है, अमीर। तो दादा, आप लोग जानते ही होंगे कि जितने भी नेता आए हैं आज तक हमारे झारखंड को, आज हमारे झारखंड अलग हुए 22 साल हो गया, लेकिन कोई भी नेता सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, ना नौकरी दे पा रहे हैं, ना किसी भी तरह का सही तरह से झारखंड को चला ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारे सरकार से यही निवेदन है कि आप आवास बना रहे हैं सही ठीक है, लेकिन आप यदि बेरोजगार को नौकरी नहीं दीजिएगा तो क्या फ़ायदा, आप आवास बना के घरवा से तो कुछ नहीं मिलेगा ना उसको। तो सरकार से मेरा निवेदन कि पहले युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास योग्यता है, जो नौकरी के लायक हैं, उनको वैकेंसी दिया जाए, उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें नौकरी दिया जाए, तो उनको नौकरी होगा तो वो खुद अपने आप घर बना लेंगे, उनको आवास देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जितने भी शिक्षित वर्ग के जितने भी नौजवान हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप लोग सरकार से, तो दादा आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब मजबूरी में लड़का लोग पढ़ाई कर रहा है अभी झारखंड का, तरह तरह मतलब गाँव से इतना दूर दूर रह के घर से सब कुछ सामान ले जाके और पढ़ाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, नौकरी लेने के लिए ना, और यदि नौकरी नहीं देना है सरकार को तो लड़का लोग क्या करेगा, ऐसे ही बेरोजगार घूमेगा। पहले आप वैकेंसी निकालिए, पहले जिसके पास टैलेंट है वो नौकरी ले सकता है, जब वो नौकरी नहीं लेने पाएंगे तो वो खुद अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे, फॉर्म खोल लेंगे, सुअर खोल लेंगे, बकरी खोल लेंगे, आपको उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। झारखंड के युवा आजकल बहुत ही जागरूक हो गए हैं, तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो हमारा 1932 का खतियान जो 11 तारीख का डेट रखा गया है उसको जल्दी से जल्दी पारित किया जाए, उसके बाद जितने भी आपने वादे किए हैं उसको पहले पूरा किया जाए। कहा कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनका यही कहना है कि हमारी सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है, तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी रोजगार लाया जाए हमारे राज्य में और राज्य को विकसित किया जाए। तो दादा, वीडियो कैसा लागल, वीडियो छोटा मोटा रहे बेरोजगारी कर लेके, कहा कि बेरोजगारी हम झारखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ी गला है, वह कर लेके थोड़ा सा मैं कहूँ कि इतना दिन से 32 के लेके चले लगला है, जब 32 सरकार का कान तक पहुँची गला है तो बेरोजगारी भी पहुँचना चाहिए। तो एक चेक कहना चाहे, जितना भी पढ़े लिखे वाला नौजवान है, जितना भी छात्र यही है, सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि सरकार इटा के लागू नहीं करते तो इनके धरना प्रदर्शन करना, हम तरह तरह कर जैसे अखन 32 कर लेके इतना तब प्रदर्शन है ले, तब जाके सरकार कर अखन नींद खुजला है, तो सेम टाइप से वह चीज टाइप करे रहते यदि सरकार नहीं लागू करते। तो कहा कि हम इन सरकार बना वाला ही हो, नौजवान कर हाथ में अखन सरकार आए, हम इन सरकार गिराए भी सके हो, आने वाला टाइम माने सरकार चेंज भी कर सके हो, तो हम इनके अखन जेटा जेटा मांगना हो सब मांगी लेना हो, चाहे लड़ी के लिए ना है, क्योंकि झारखंड जब लड़ी के ले सकला है तो नौकरी भी लड़ी के लेना है, यदि सरकार नहीं देते तो किना करवाए, लड़ना ही ना है, पढ़ाई तो कर लिया, अब लड़े के बारी आ गया तो अब लड़ाई हेतन। तो दादा, वीडियो कैसा लागल, यदि वीडियो बढ़िया लागल तो अखन तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं करला तो करी देवा सब्सक्राइब, और वीडियो यदि अच्छा लागल तो लाइक करा और कमेंट कर देवे और शेयर कर देवे तो और बढ़िया रहते। तो दादा, फिर मिलो है इसने कोई नया मुद्दा कर साथ, क्या झारखंड में झारखंड खत्म हो जाते लेकिन झारखंड में मुद्दा कभी नहीं खत्म होते। तो जय झारखंड, जय 1932।